أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। फौरन पिछले जलसे में हम लोगों ने इमाम हसन इस्लाम की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली थी। आज इंशाल्लाह उसका इदामा हम लोग देंगे। तो फौरन किसी को मालूम है, कुछ याद है, कुछ लिखा है कि हम लोगों ने पिछले जलसे में क्या पढ़ा था? फौरन आवाज़ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम हसन की कुनियत के बारे में पढ़ा था, इनकी कुनियत अबुल मोहम्मद थी, और अलकाब के बारे में कि तैयब, तकी, सिप्त, सैयद, नासे और आमीन। जी, और इसके बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा फौरन किसी को और कुछ याद है? उनको चार हिस्सों में बांट दिया गया था। जी, तो वो चार दस्ते सब लोगों ने लिख लिए थे। 21 रमजान को 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की थी। आसान। ठीक हो फौरन, तकरीबन आप लोगों ने सब लिखा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इंशाल्लाह आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो चीज़ जिसके ऊपर छोड़ी थी वो यही छोड़ी थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को, उनके सिपाहियों को चार दस्तों में तकसीम किया गया था। सबसे पहले खवारिज थे, दूसरे क्या है, जो जंगी माल गनीमत के फ़ायदे के लिए उन्होंने जंग की थी इमाम हसन इस्लाम के साथ मिलकर। तीसरे वो अफराद थे कि जो शक करते थे इमाम हसन की हक्कानियत पर, हक्कानियत उनके ऊपर साबित नहीं हुई थी। और चौथे वो लोग थे कि जिन्होंने कबीले की पैरवी के लिहाज से शिरकत की थी। अब इसके आगे का इंशाल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये चार दस्ते थे जिनको तकसीम किया गया था। अब इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर को अगर हम देखेंगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर बनाकर शहर अंबार में भेजा, लेकिन वो क्या है, माविया से जाकर मिल गया और उसकी तरफ चला गया। और ये जो दस्ते को भेजा था, ये जो लश्कर को भेजा था, आपने हकम उसको सरदारी अता की थी उस लश्कर की। हकम एक शख्स का नाम है कि जिसको सरदारी अता की थी उस लश्कर की, और वो लश्कर माविया से जाकर मिल गया था। अब हकम की खयानत के बाद इमाम मदायन के मकाम साबात पर तशरीफ़ ले गए। मदायन एक जगह है और वहाँ के एरिया जो एक है साबात नाम का, वहाँ पर इमाम तशरीफ़ ले गए थे। और वहाँ से 12,000 अफराद को उबैदुल्लाह इबन अब्बास की सिपे सालारी में माविया से जंग करने के लिए आपने रवाना किया था। और उबैदुल्लाह इबन अब्बास को तो सिपे सालार बनाया था, और उसके बाद कैस इबन साद को उनकी मदद के लिए भी मुंतखब फरमाया था कि अगर खुदा ना करे उबैदुल्लाह इबन अब्बास शहीद हो जाएँ तो कैस जो है लश्कर की सरदारी को, लश्कर की सिपे सालारी को संभाल लें। अब माविया इब्तिदा में ये कोशिश था कि वो कैस को भी धोखा दे दे, इसलिए क्या है, उसने लालच दी, 10,00,000 दिरहम कैस के पास भेजा ताकि वो भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ खयानत करे, उनसे अलग हो जाए और मुझसे मिल जाए। लेकिन कैस चूँकि इमाम का बहुत अच्छा चाहने वाला था, इसलिए इन्होंने माविया के पैसे को वापस कर दिया और कहा कि तुम चाहते हो कि धोखे से मेरे दीन को मेरे ही हाथों से छीन लो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। कैस ने तो मना कर दिया। इमाम ने क्या है, दो लोगों को सिपे सालारी बनाया था, सबसे पहले उबैदुल्लाह को ना, तो अब ये उबैदुल्लाह के पास जाता है और उबैदुल्लाह को पैसे वगैरह देने की कोशिश करता है ताकि वो इमाम का साथ छोड़ दे और मुझसे मिल जाए। और उबैदुल्लाह उसकी बातों में आ जाता है और वो माविया के साथ मिल जाता है, और वो रातों रात माविया की तरफ भाग जाता है। जब सुबह में देखा गया तो लश्कर जो था बगैर सरपरस्त के, बगैर सिपे सालार के हो गया। तो उसके बाद लोगों ने कैस के पीछे नमाज़ पढ़ी और ये सारे वाक़े की जो रिपोर्ट थी, हालात थी, ख़बर थी, वो सब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया गया। ठीक है फौरन, इतनी बात आ गई समझ में? जी हाँ। ठीक है, अब कैस ने क्या है, बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ जंग की, क्योंकि माविया ने कैस को धोखा देने के लिए तो सोचा था, लेकिन वो धोखा क्योंकि नहीं दे पाया, इसलिए इसने इराक़ के सिपाहियों के हौसले को शिकस्त देने के लिए इसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। जब उसने ये देखा कि कैस तो मानने वाला नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हसन का चाहने वाला है,
वो इमाम हसन को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए उसने दूसरा हरबा, दूसरा रास्ता अख्तियार किया। और उसने क्या किया, इमाम हसन इस्लाम का जो लश्कर था, एक मस्कन में था और एक मदायन में था, दोनों की तरफ माविया ने जासूस भेजे और ये झूठी अफवाहें फैला दी और सिपाहियों को क्या है, वहशत में मुब्तला कर दिया। और वो अफवाहें क्या थी, उसने अफवाह ये फैला दी है कि मस्कन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया से सुलह की पेशकश की है, यानी इमाम हसन ने ये कहा है कि माविया तुम मुझसे सुलह कर लो, और माविया ने भी इस बात को कबूल कर ली। मस्कन में उसने अपने जासूसों के ज़रिए ये अफवाह फैला दी थी, और मदायन में उसने क्या अफवाह फैलाई थी कि कैस बिन साद ने माविया से सुलह कर ली। और मदायन में उसने यह अफवाह फैलाई थी कि कैस बिन साद ने माविया से सुलह कर ली है और उनसे जा मिला है, यानी दोनों तरफ इसने इमाम हसन इस्लाम के लश्कर को तोड़ना चाहा था, क्योंकि अगर लोग ये सोचेंगे, ये बात वो लोगों के दरमियान में पता चलेगी तो लोगों का जो हौसला था वो पस्त हो जाएगा, लोगों के हौसले टूट जाएंगे, इसलिए माविया ने इस हरबे को अपनाया था। और जैसे ही ये अफवाह सुनी गई थी तो सिपाहियों के हौसलों को, इमाम हसन साहब के जो भी सिपाही थे उनके हौसलों को तोड़ दिया गया। बेबख्शिश फारन, एक मिनट। ठीक है फारन, इतनी बात आ गई ना, लोगों ने क्या किया था, अफवाहें फैलाई थी और इसकी वजह से इमाम हसन इस्लाम के सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए थे, यहाँ तक के खवारिज के जो लोग थे जो कि सुलह के मुआफिक नहीं थे, वो लोगों ने फसाद और फितना फैलाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक के कुछ लोग क्या है, गुस्से के आलम में इमाम के खेमे पर टूट पड़े, आपके साजो सामान को, आपके असबाब को लूट कर ले गए, यहाँ तक के फ़र्श जो बिछा हुआ था उसको भी खींच कर ले गए थे। और बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को काफिर भी कहने लगे थे, और जर्रा इब्न सन्नान कत्ल के इरादे से इमाम की तरफ गया था और कहा था कि ए हसन, नऊज़ु बिल्लाह, तुम भी अपने बाप की तरह मुशरिक हो गए हो। फिर इसने इमाम की रान पर वार किया था और आप क्योंकि वो जो ज़ख्म था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, लिहाजा सब लोगों ने इमाम को लेकर मदीने के गवर्नर साद बिन मसूद सकफ़ी के घर ले गए, वहाँ कुछ दिनों तक आपका इलाज चलता रहा। इस दरमियान में इमाम को ये ख़बर मिली कि जो कबाइल के जो रईस अफराद हैं, जो सरपरस्त हैं हर कबीले के, उन लोगों ने खुफिया तौर पर माविया को ख़त लिखा है कि अगर तुम इराक़ की जानिब आ जाओ तो हम तुमसे मुआहदा कर लेंगे कि हसन को तुम्हारे हवाले कर दे। ये लोगों ने खुफिया तरीके से माविया को ख़त लिखा था। माविया ने सारे ख़त इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया और सुलह की ख्वाहिश जाहिर की, यानी सुलह के बारे में पेशकश की, और ये अहद किया कि उस सुलह में जो भी आप शर्त पेश करेंगे वो मुझे कबूल होगी। इन दर्दनाक हादसात के बाद इमाम ने ये समझ लिया था कि माविया और इसके कारिंदे यानी जो काम करने वाले हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा काम को बिगाड़ेंगे, फितना और फसाद फैलाएंगे, लिहाजा हमारी जितनी भी कोशिशें होगी उन सारी कोशिशों के ऊपर पानी फिर जाएगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ़ौज के जो बेहतरीन अफराद है, जो सरदार है, वो माविया से मिल गए हैं, लिहाजा लश्कर वालों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन छोड़ दिया है और माविया जो है बहुत ज़्यादा तबाहकारी और फितने बर्पा करेगा। ये सारी चीज़ें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने समझ लिया था। और दूसरी जो वजह बताई जाती है कि इमाम ने क्यों सुलह को अख्तियार किया था, कि इमाम ने जंग नहीं की थी, क्योंकि इमाम ने कोई फ़ायदा नहीं देखा था जंग को जारी रखने में, कि अगर जंग जारी रहेगी तो इस्लाम को और इमाम के चाहने वालों को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर इमाम अपने करीबी अफराद के साथ भी तन्हा मुकाबले के लिए उठ खड़े होते और कत्ल कर दिए जाते तो सिर्फ माविया की सल्तनत के जो पाए थे उसको ही मुतजलजिल कर पाते, यहाँ तक के लोगों के दिलों पर कोई भी असर नहीं होता, लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग करते, बल्कि माविया क्या है, इस्लाम की जड़ को ही ख़त्म कर देता। और जो सच्चे मुसलमान थे, जो सच्चे आशिक थे इस्लामी दीन के सारे के सारे मुंतशिर हो जाते, कोई भी बाकी नहीं बचता। यहाँ तक कि माविया क्योंकि बहुत ज़्यादा मकर फरेब रखता था तो वो क्या करता, बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम लेने के लिए वो निकल पड़ता, लिहाजा इस तरीके से वो जो इमाम हसन इस्लाम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर देता, शहादत की मंजिल पर ले जाता, तो वो इस तरीके से भी क्या है अपने जो कहते हैं दामन से
उस खून के धब्बे को साफ कर लेता। इसलिए जब इमाम हसन इस्लाम की को माविया की पेशकश ये हुई कि वो सुल कर ले, तो इमाम ने सुल करना मुनासिब समझा था। ठीक है फौरन, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोई भी, यानी अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह की पेशकश को कबूल ना करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता जंग करने का। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो जंग करने के ऊपर आमादा नहीं थे, और अगर इमाम सिर्फ अपने करीबी अफराद को लेकर खड़े होते फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि माविया अपने जो भी कह सकते हैं अपने मकर फरीब के ज़रिए से इमाम के खून का इंतकाम लेने के लिए निकल पड़ता, लिहाजा कोई भी फ़ायदा इस्लाम को नहीं होता। लिहाजा इमाम हसन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा सख्त हालात में सुलह की पेशकश को कबूल कर लिया। अब वो सुलह का मुआहदे सुलह क्या था, उसका मतन क्या था, इस्लाम के मुक़दस मकासद और अहदाफ़ को बचाने के लिए आपने सुलह की थी, लिहाजा अगर सुलह के जो शराइत थे अगर उसको कोई मुनसिफ या जो दूर नज़र रखने वाला शख्स होता है अगर वो तहकीक करता तो बहुत आसानी से ये फ़ैसला कर सकता था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह जो की है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की है ताकि इस्लाम के मुक़द्दस मकसद को बचा लिया जा सके, अपने पैरोकारों को अपने सिपाहियों को बचा ले, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कबूल की थी। फौरन ये सवाल आ सकता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह को कबूल क्यों किया था, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कबूल किया था ताकि इस्लाम के जो मकसद और अहदाफ़ है उनको बचा सके। और जी खोहर, सवाल ये हो सकता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्यों सुलह को कबूल किया? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया ताकि आप इस्लाम के मुकद्दस मकसद को, इस्लाम के अहदाफ को। जी खोहर, इमाम ने सुलह को इसलिए कबूल किया ताकि आप इस्लाम के मुकद्दस मकसद को या मुकद्दस अहदाफ को बचा सकें और अपने पैरोकारों को, इस्लाम के चाहने वालों को बचा सकें। ये था इमाम का मकसद कि उन्होंने, जी खोहर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया ताकि इस्लाम के मुकद्दस मकसद को, इस्लाम के मुकद्दस अहदाफ को बचा सकें और अपने पैरोकारों को, अपने चाहने वालों को बचा सकें। स्लो स्लो बोलिए। जी खोहर, नहीं लिखा आपने, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है फौरन? आ रही है। अच्छा, हो सकता है उनकी तरफ से कोई इशू हो नेटवर्क का। लिख लिया फौरन आप लोगों ने? ठीक है, अब वो सुलह की शराइत क्या थी उसके बारे में बताया जाता है, तो ये सुलह की शराइत भी लिख लीजिए, ये भी सवाल आ सकता है कि शराइत सुलह क्या हैं। तो शराइत सुलह 6 थे। सबसे पहला ये कि माविया हुकूमत इस्लाम में किताब और सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। एक मरतबा हम बता देते उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है फौरन? सुलह के शराइत ये थे कि माविया हुकूमत इस्लाम में किताब खुदा सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, क्योंकि ये सुलह हो चुकी थी, लिहाजा अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुकूमत को नहीं संभालते बल्कि कौन संभालता? माविया संभालता। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश उसके सामने रखी कि वो जो अमल करेगा, जो भी काम को अंजाम देगा, वो किताब खुदा में जो चीज़ मौजूद होगी उसके ऊपर और रसूल खुदा ने जो चीज़ बताई है उनकी सुन्नत के ऊपर अमल करेगा।
और माविया अपने बाद किसी को भी खलीफा नहीं बनाएगा, यानी क्योंकि माविया चाहता था कि अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाए, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ये हक तुम्हें हासिल नहीं होगा। और तीसरी ये चीज़ कि शाम, इराक, हिजाज, यमन ये सारे जगह के लोगों को अमान हासिल होगी, क्योंकि माविया और उसके जो कारिंदे थे जिसको माविया ने सिपे सालार बनाया था, वो लोग ये सारी जगह वालों को बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम में रखते थे, उनके पर बहुत ज़्यादा अज़ियतें किया करते थे। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इन लोगों को अमान दोगे। फिर चौथी शर्त उसने ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह बताई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब और उनके शिया जहाँ कहीं भी रहे, शाम, इराक, हिजाज़ और यमन की बात नहीं की, बल्कि इमाम ने कुल्लन यानी हर जगह की बात की कि जहाँ भी इमाम के असहाब और शिया रहेंगे उनकी जान, माल और नामूस और औलाद, ये सारी चीज़ों की हिफाजत रहेगी, उनको वो यानी माविया के और उनके लश्कर वालों से अमान में रहें। पांचवी शर्त इमाम ने ये बताई थी कि माविया, हसन इब्ने अली और उनके भाई हुसैन इब्ने अली यानी इमाम हसन दूसरे और तीसरे इमाम अलैहिस्सलाम और ख़ानदान रसूल में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने या हलाक करने की कोशिश ना करे, ना ही खुफिया तौर पर ना ही एलानिया तौर पर उनको किसी भी जगह धमकाया या डराया ना जाए। सबसे पहले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब शिया के बारे में कहा कि उनकी जान माल और सारी चीज़ों की हिफाजत रहे, और फिर इमाम ने क्या है अपने लिए और अपने भाई इमाम हुसैन के लिए और उनके ख़ानदान वालों के लिए कहा कि उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ना ही छुप छुपा कर, ना ही ऐलानिया तौर पर किसी भी तरीके से इमाम को और उनके भाई को और उनके ख़ानदान वालों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और छठा और आखिरी जो सुलह की शरायत थे वो ये थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शान में जो नाज़िबा कलमा जो कि मस्जिद जामे में लोग नमाज में कुनूत में इस्तेमाल करते थे वो तर्क कर दिए जाएं, क्योंकि लोग नऊज़ुबिल्लाह कुनूत में और नमाज में और मसाजिद में इमाम अलैहिस्सलाम को यानी बुरा भला कहते थे, उनको फोश देते थे, उनको गालियाँ देते थे नऊज़ुबिल्लाह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि तुम ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म करवाओगे। तो ये थी सुलह की छः शरायत। ठीक है खौरन, अगर आप लोग को अब लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए कि माविया हुकूमत इस्लाम में किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करे। माविया हुकूमत इस्लाम में किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करें। दूसरी शर्त ये थी कि माविया अपने बाद किसी को खलीफा ना बनाए। तीसरी शर्त ये थी कि शाम, इराक, हिजाज और यमन सब जगह के लोगों के लिए अमान होगी। और एक बार फिर से बोलिए कौन सा तीसरा पॉइंट खोहर जी? तीसरी शर्त ये थी कि शाम, इराक, हिजाज और यमन सब जगह के लोगों के लिए यानी इन चारों जगह के लोगों के लिए अमान होगी, यानी माविया किसी को कोई अजियत, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देगा, सब जगह के लोगों के लिए अमान होगी। चौथी शर्त ये थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब और शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब और शिया जहाँ भी हैं
उनके जान माल नामूस और औलाद महफूज रहेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अस्हाब और उनके शिया जहाँ भी हैं उनकी जान माल नामूस और औलाद महफूज रहेंगे। पांचवी शर्त ये थी कि हसन इब्न अली और उनके भाई हुसैन इब्न अली यानी दूसरे और तीसरे इमाम, हसन इब्न अली और उनके भाई हुसैन इब्न अली और ख़ानदान रसूल में से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाने या पांचवा पॉइंट ये है कि हसन इब्ने अली और उनके भाई हुसैन इब्ने अली और ख़ानदान रसूल में से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाने या हलाक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना खुफिया तौर पर और ना ऐलानिया तौर पर। और इनको किसी भी जगह पर डराया या धमकाया ना जाए पांचवा पॉइंट यही था फ़ौरन के हसन इब्न अली और उनके भाई हुसैन इब्न अली और ख़ानदान रसूल में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने या हलाक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही खुफिया तौर पर और ना ऐलानिया तौर पर, यानी इनमें से किसी को भी किसी भी जगह पर डराया और धमकाया ना जाए। आखिरी शर्त जो इमाम हसन ने सामने रखी थी वो ये रखी थी कि अमीरुल मोमिनीन यानी अली इब्न अबी तालिब की शान में कलमात नाज़ेबा जो अब तक मस्जिद जामे और कुनूत नमाज में इस्तेमाल होते हैं वो तर्क कर दिए जाएं। जनाबे अमीरुल मोमिनीन की शान में कलमात नाज़ेबा जो अब तक मस्जिद जामे और कुनूत नमाज में इस्तेमाल होते हैं वो तर्क कर दिए जाएं। ये छह शर्तें थी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया के सामने रखी थी। ठीक है फौरन सबने लिख लिया जी फौहर, क्या कह रही हैं आप? छठा ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अजान में नाज़ेबा अल्फाज? अजान में नहीं, यानी उस वक्त ये चीज़ राइज थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को लोग बुरा भला कहते थे, यहाँ के मस्जिद में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जाता था, और नमाज में जो हम कुनूत पढ़ते हैं उस कुनूत में भी लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्ला फोश देते थे, गालियाँ देते थे। तो ये सारी चीज़ें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ख़त्म करने का तकाज़ा किया था। ठीक है,
ठीक है खार? ठीक है। अब ये शरायते सुल जिस जगह पर वाक़ हुई थी वही अंबार में, क्योंकि अंबार एक जगह थी जहाँ पर इमाम हसन साहब ने अपने लश्कर वालों को भेजा था जंग के लिए, तो वहीं पर ये सारी शरायते सुल वजूद में आई थी। जबकि रिवायत में मिलता है 25 रबीउल अव्वल को ये चीज़ वजूद में आई थी सुल की शरायत, और इस सुलनामे पर दोनों तरफ से दस्तखत हुई थी और गवाहियां सख्त हुई थी, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ से और माविया की तरफ से, दोनों की तरफ से दस्तखत भी हुए थे इस शरायत सुल के पर और गवाही भी लिखी गई थी। और ये जब शरायत सुल को माविया ने कबूल कर लिया तो माविया ने अपने लिए आम बैत का ऐलान किया, और फिर इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मजबूर किया ताकि वो खुतबा दें। और खुतबे का एक हिस्सा ये बताया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ ले जाए और इरशाद फरमाए। ये खुतबा बस एक मतलब ऐसे सरसरी तौर पर आप लोग सुन लीजिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। पर ये बताइए कब में जी खोहर डेट क्या बताइए? डेट सिर्फ डेट मुहिम नहीं है, 25 रबीउल अव्वल रिवायत में मिलता है बस कि 25 रबीउल अव्वल को ये शरायत सुल कबूल की गई थी और दस्तखत हुए थे। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया कि ए लोगों, खुदाए ताला ने हम में से अव्वल के ज़रिए तुम्हारी हिदायत की और आखिर के ज़रिए से तुम्हें खून रेजी से बचाया। माविया ने इस अम्र में मुझसे झगड़ा किया जिसका मैं इससे ज़्यादा मुस्तहक हूँ, लेकिन मैंने लोगों की खून रेजी की नस्बत इस अम्र का तर्क कर देना बेहतर समझा। तुम रंजो मलाल ना करो कि मैंने हुकूमत इसके नाअहल को दे दी और इसके हक को जाए नाहक पर रखा। मेरी नीयत इस मामले में सिर्फ उम्मत की भलाई है, यानी उम्मत की भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुल को कबूल किया था। अभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना ही खुतबा दिया था कि माविया से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि ए हज़रत, अब इससे ज़्यादा फरमाने की ज़रूरत नहीं, यानी माविया ने वहीं पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को टोक दिया और कहा कि अब तुम खुतबा मत दो। पहले तो खुद माविया ने चाहा, मजबूर किया, बल्कि सिर्फ चाहा नहीं मजबूर किया इमाम को कि खुतबा दे, लेकिन जब देखा कि खुतबा उसके हक में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ है, तो उसने क्या है मना कर दिया कि आप खुतबा मत दीजिए। अब सुल की तकमील हो चुकी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा सब्र व इस्तिक्लाल के साथ, नफ्स की बुलंदी के साथ इन तमाम नाखुशगवार हालात को सब्र किया और मुआहदे के ऊपर जो शरायत सुल हुई थी, सुल का मुआहदा हुआ था, उसके पर सख्ती के साथ कायम रहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। मगर इधर ये हुआ कि अमीर शाम ने, यानी माविया ने, जंग ख़त्म होते ही, सियासी इकतदार के मजबूत होते ही इराक़ में दाखिल होकर नुखैला में, जिसे कूफे की सरहद कहा जाता है, वहाँ पर माविया ने क़याम किया और जुमे के खुतबे के बाद ये ऐलान फरमाया कि मेरा मकसद जंग से ये नहीं था कि तुम लोग नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो या ज़कात अदा करो, ये सब तो तुम करते हो, मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी हुकूमत तुम पर मुसल्लत हो जाए, तुम पर मुसल्लम हो जाए, तुम पर मेरी हुकूमत मुस्तहकम हो जाए। मेरा मकसद हसन के बाद मेरा मकसद है हसन ने इस मुआहदे के ज़रिए पूरा कर दिया, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो मुआहदे सुल किया था उसके ज़रिए मेरा मकसद पूरा हो गया। और मेरा मकसद क्या था, यानी माविया का मकसद क्या था? हुकूमत को मुस्तहकम करना, हुकूमत को मजबूत करना, और तुम लोग अपनी नागवारी के हालत में भी मुझे, यानी हुकूमत पर कायम रहने के लिए क्या कहते हैं, पेशकश की, यानी वही सुल किया, तो माविया जो है अपनी हुकूमत को मुस्तहकम कर पाया। और रह गए वो शरायत जो मैंने हसन के साथ किए थे, वो सब मेरे पैरों के नीचे है, इनका पूरा करना या ना करना मेरे हाथ में। यानी माविया ने पहले तो शरायत सुल को कबूल कर लिया, दस्तखत भी हुई, गवाहियां भी मतलब लिखी गई, लेकिन जैसे उसकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, मजबूत हो गए, तो उसने ये कहा कि मैंने तुमसे जंग इसलिए नहीं की थी कि तुम लोग नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ये सारे काम करो, ये सब तो तुम लोग करते हो, मेरा मकसद ये जो सुल को करना था और जंग को ना करना था, जंग को ख़त्म करना था, ये सारी जो था मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे ऊपर हुकूमत को हासिल कर सकूँ,
जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह मुआहदा किया, इसके ज़रिए से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। और जो सुलह की शरायत है वो मतलब मेरे पैरों के नीचे, यानी क्या है, मैं उन सारी शरायतों को तोड़ता हूँ, अब मैं उसे पूरा नहीं करूँगा, ये माविया ने कहा। लेकिन क्योंकि अब ये शरायत वाक़ हो चुकी थी, लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम अब कुछ नहीं कर सकते थे और आवाम भी अब माविया के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकती थी। ठीक है हौरान जी, फौर ठीक है। अब तारीख लिखने वालों ने ये लिखा है कि माविया जो था वो मैदान सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और मकरू ज़ोर की वजह से वो सल्तनत के ऊपर हाकिम हो गया था, और जैसे ही वो सल्तनत उसकी मुस्तहकम हो गई थी, हुकूमत उसकी मुस्तहकम और मज़बूत हो गई थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो वादा किया था, जो मुआहदा किया था, उन सारी चीज़ों से मुकर गया। माविया ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, किसी भी शर्त के ऊपर अमल नहीं किया। और जब माविया के लिए अमले सल्तनत मुस्तहकम हो गई थी तो इसने अपने हाकिमों को मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में भेजा और ये फरमान भेजा कि जो शख्स भी अबू तुराब और उसके अहले बैत की फजीलत की रिवायत करेगा तो मैं उसे बरी ज़िम्मा कर दूंगा, यानी मैं उसे हुकूमत से हटा दूंगा। और ये ख़बर तमाम मुल्कों में फैल गई और लोगों को माविया के बारे में मालूम हो गया, तो लोगों ने, तमाम खतीबों ने मिंबरों पर दोबारा से इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कूफे में ज़ियाद बिन उबई, जो बहुत टाइम तक इमाम अली अलैहिस्सलाम के अहद में उनके साथ रह चुका था, जो कि शियाने अली को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जवान हो बूढ़े हो, सबसे बहुत अच्छी तरह से आगाह था उसने, और उसको ये भी मालूम था कि कौन से गोशे में, कौन से कोने में इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मौजूद है। तो माविया ने इस शख्स को, किसको, ज़ियाद बिन उबई को, कि जो सारे लोगों को अच्छी तरीके से जानता था, तो उसे कूफे और बसरे दोनों जगह का गवर्नर बना दिया था। किसने? माविया ने ज़ियाद बिन उबई को गवर्नर उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के शियान को कत्ल कर सके, और वो ये काम किया भी करता था ज़ियाद बिन उबई के, इमाम अली उसके जुल्म की हालत ये थी कि शियाने अली को कत्ल करता था और वो बाज़ लोगों की तो आंखें भी फोड़ देता था, बाज़ लोगों के हाथ पैर कटवा देता था। उसने बहुत ज़्यादा इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के ऊपर जुल्म किया, यहाँ तक कि हज़ारों लोग जंगलों और पहाड़ों में छुप गए थे। बसरे में 8,000 आदमियों का उसने क्या है, कत्ल किया था, जिनमें 42 अफराद हाफिज़ और क़ारी क़ुरान थे, और उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही जुर्म आयद किया गया कि वो मोहब्बत अली अपने दिल में रखते हैं। और माविया ने यह भी ऐलान करवा दिया था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बजाय उस्मान के फ़ज़ाइल को बयान किया जाए, ठीक है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के मुतालिक ये फरमान उसने जारी किया था कि जो कोई भी एक फजीलत के अवज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नऊज़ बिल्ला मज़म्मत करेगा तो मैं उसे क्या है, उसने यह कहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की मज़म्मत के लिए अपनी रिवायतों को जाल करो, रिवायत को गढ़ो, यानी फजीलत को बयान ना करो बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की नऊज़ बिल्ला मज़म्मत को बयान करो। ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से बदला ले सके और यजीद यानी अपने बेटे की हुकूमत को के रास्ते को हमवार कर सके। अब सुलह के मराहिल तय हो जाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई इमाम हुसैन को और अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र को और अपने अहले आयार को, अपने बच्चों को लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब आप कूफे से मदीने के लिए रवाना हुए थे तो माविया ने रास्ते में पैगाम भेजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, और वो पैगाम क्या था कि आप खवारिज से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इन्होंने मेरी बयात होते ही फिर से सर निकाला है, यानी क्या कहते हैं, जिसको फितना और फसाद फैलाना कह सकते हैं, फितना और फसाद वो लोग फैला रहे, लिहाजा आप उनसे जंग करिए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया कि अगर खून रेजी, खून बहाना मेरा मकसद होता तो मैं तुमसे सुलह क्यों करता, लिहाजा ये कहकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि वो खवारिज के साथ जंग नहीं करेंगे। इतनी बात आ गई फौरन। अब माविया भी मुख्तलिफ सूरतों से हर तरीके से चाहता था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुँचाए, उनको अज़ियत दे, और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जितने भी असहाब थे उनके ऊपर भी माविया की बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र थी,
और बहुत ज़्यादा सख्त हालात में सबको रखता था, और इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके असहाब की सबकी तौहीन करता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने उनके पिदर यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बुराई करता था, और अगर इमाम कोई भी इसके बद मतलब जब बुराई करता था तो जाहिर सी बात है इमाम अलैहिस्सलाम उसके जवाब में कुछ ना कुछ तो कहते। तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम कोई भी जवाब देते तो वो उनको भी अदब सिखाने की कोशिश करता था। लिहाजा कूफे में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो आप मदीने की तरफ लौट गए थे। लेकिन मदीना में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर नहीं रह सके, क्योंकि वहाँ पर भी माविया का जो एक शख्स था, वो जो कि बहुत ज़्यादा पलीद तरीन शख्स था जिसका नाम मरवान था, वो मदीने का उस वक्त हाकिम था। उसने और भी ज़्यादा आपके असहाब को और आपको रहने नहीं दिया था, आपका जीना मुश्किल कर दिया था, यहाँ तक कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घर तक आना जाना भी मुश्किल हो गया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये सुलह की शरायत होने के 10 साल तक मदीने में रहे, लेकिन आपके जो असहाब थे, आपके जो चाहने वाले थे, आपके इल्म से बहुत ही कम फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मरवान जो था मदीने का हाकिम, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर में किसी को भी जाने नहीं दिया करता था। इसलिए लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इल्म को हासिल नहीं कर सके और बहुत ही कम हासिल कर सके। और मरवान के अलावा और भी जो, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम 10 साल तक मदीने में रहे थे, तो जिसकी बिना पर मरवान के बाद जो कोई भी मदीने का हाकिम बना, सब ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, आपके चाहने वालों को, आपके दोस्तों को तकलीफ़ और अजियत पहुँचाने में कोई भी कमी नहीं रखी थी। माविया क्यों यानी कबूल नहीं कर रहा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत के ओहदे को संभाले, क्योंकि वो ये बहाना करता था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे हैं, लिहाजा वो हुकूमत को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए उसने माविया भी तैयार नहीं था कि आपको हुकूमत और खिलाफत दी जाए। अब माविया इस फिक्र में था कि अपने नालायक जवान बेटे यजीद को वली अहदी के लिए नामज़द करे, ताकि वो मसनद सल्तनत पर मुतमक्किन हो सके, बैठ सके। और ज़ाहिर है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसके इस रास्ते में बहुत बड़े रुकावट थे, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कह दिया था अपने शरायत सुल में कि तुम अपने बाद किसी को भी खलीफा मुआयन और मुकर्रर नहीं करोगे। उसने कहा था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह कहा था कि तुम अपने बाद किसी को भी खलीफा मुकर्रर नहीं करोगे। तो जाहिर सी बात है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उसको, माविया को क्या है, ख़तरा महसूस हुआ था कि अगर माविया के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह गए तो मुमकिन है कि जो लोग माविया के बेटे से खुश नहीं है यानी यजीद से खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो सब और सब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो जाएंगे, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर देंगे और उसके बेटे यजीद की सल्तनत को ख़तरे में डाल देंगे। लिहाजा यजीद की वलीअहदी के मुकदमात को मजबूत बनाने के लिए इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा देने का इरादा किया, और फिर उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी के ज़रिए, जो कि जिनका नाम जोदा बिनते अशअस था, इनके ज़रिए जहर दिलवा दिया। और इमाम की जिस वक्त शहादत हुई थी उस वक्त आपकी उम्र 47 साल की थी, और आप 28 सफर सन 50 हिजरी को शहीद किए गए और मदीना के कब्रस्तान बकी में दफन हुए। ठीक है फौरन, इतनी बात समझ में आ गई किसके ज़रिए से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, आपकी बीवी जोदा बिनते अशअस के ज़रिए से। जी, और मरवान जो कि हाकिम मदीना था, जोदा बिनते अशअस के ज़रिए से उसने ये कामयाबी की इत्तला माविया को दी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या है, शहीद हो चुके हैं। जैसे ही माविया को ये ख़बर मिली कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं, तो वो खुशी के मारे अल्लाह अकबर कहकर सजदे में गिर पड़ा, और उसको देखते ही देखते यानी उसका देखा देखी सारे दरबार वाले भी खुशी मनाने लगे और नारे तकबीर बुलंद करने लगे। ये जैसे ही सारी तकबीरों की आवाज़ बुलंद होने लगी, तो माविया की जो बीवी थी फातिमा बिनते करज़ा, उनके कानों में जब ये नारे तकबीर की सदाएँ बुलंद हुई, उन्होंने ये चीज़ सुनी तो वो कहने लगी कि ये किस चीज़ की खुशी है, किस चीज़ का की इतनी खुशी मनाई जा रही है। तो माविया ने जवाब दिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत वाकई हो गई है, इसी खुशी में मैंने नारे तकबीर बुलंद करके सजदा शुक्र अदा किया है। फातिमा बिनते करज़ा बहुत ज़्यादा रंजीदा हुई और कहने लगी, अफसोस है कि फर्जंदे रसूल कत्ल कर दिया जाए और दरबार में खुशी मनाया जाए, क्योंकि माविया की जो बीवी थी वो इमाम की चाहने वाली थी, लिहाजा जैसे ही उन्हें शहादत की खबर मिली
के तो वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हुई थी और माविया के इस अमल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस किया था और ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि फर्जंदे रसूल कत्ल कर दिया जाए और तुम लोग दरबार में खुशी मनाओ। ठीक है फौरन, माविया की बीवी का नाम आप लोगों ने लिख लिया, फातिमा बिनते करज़ा, ज़ुआद से करज़ा। एक सवाल था कि मौला अली की ज़ाहिरी खिलाफत थी, मतलब चौथे खलीफा मुकर्रर हुए थे ज़ाहिरी खिलाफत में जी, तो उनके वफात के बाद मतलब उनकी शहादत के बाद फिर माविया ही तख्त पर बैठा था। हाँ, माविया ज़ाहिरी तौर पर अगर हम देखेंगे तो माविया ही तख्त पर बैठा था। इमाम हसन इस्लाम ने, हमने बताया ना अंबार एक जगह नामी एक जगह थी जहाँ पर लश्कर कशी की गई थी, वहाँ पर जंग होती, तो इस तरीके से इमाम हसन इस्लाम को भी ज़ाहिरी हुकूमत मिल सकती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सुलह के मवाफिक सब लोग हो गए थे इसलिए इमाम हसन इस्लाम ने सुलह कर ली थी और ज़ाहिरी तरीके से खिलाफत को नहीं संभाला था। बातिनी तरीके से तो उन्होंने खिलाफत को संभाला था, जिसको हमने बताया कि 40,000 अफराद ने इमाम हसन इस्लाम की बयत की थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद, लेकिन ज़ाहिरी खिलाफत आपने हासिल नहीं की थी, बल्कि ज़ाहिरी खिलाफत माविया ने हासिल की थी। जी खोहल, आपकी आवाज़ नहीं आई। इमाम हसन की शहादत के वक्त उनकी उम्र क्या थी, कितनी हिजरी थी? अच्छा, आपकी शहादत के वक्त आपकी उम्र जो थी वो 47 साल थी। और आप 28 सफर सन 50 हिजरी को शहीद हुए थे। और 47 साल की आपकी उम्र थी और आप मदीने में दफन हुए। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो शहीद हो चुके, आपकी शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफ़न का इंतज़ाम फरमाया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक सारे लोग, इमाम हुसैन और सारे लोग लेकर गए थे ताकि रसूल अकरम के पहलू में आपको दफन कर दिया जाए। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो बनी उमैया के जो कारिंदे थे, खुसूसन मरवान, वो आगे बढ़े और उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ का कि वो रसूल खुदा के पहलू में दफन हो सके, यानी किसी ने भी इजाज़त नहीं दी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना के पहलू में दफन हो सके। यहाँ तक कि रिवायत में ये भी मिलता है कि आयशा एक खच्चर पर सवार होकर पहुँची और ये कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर हरगिज़ हसन को दफन होने नहीं दूँगी। बल्कि रवायतों में ये भी मिलता है कि बाज़ लोगों ने जब आयशा की इस बात को सुना तो कहा कि आयशा तुम्हारा क्या हाल है कि कभी ऊँट पर सवार होकर दामाद रसूल से जंग करती हो तो कभी खच्चर पर सवार होकर फर्जंदे रसूल के दफन में मुज़ाहमत करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उन्होंने नहीं मानी और ज़िद पर अड़ी रहीं, यहाँ तक कि बात बढ़ गई और बाज़ जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उन आले मोहम्मद के चाहने वाले नहीं थे, उनके दुश्मन थे, उन लोगों ने तीर भी बरसाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बहुत सारे तीर आपके इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताबूत में भी पेवस्त हो गए। रिवायत में ये भी मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताबूत में 70 तीर पेवस्त हुए थे, यानी 70 तीर लगे थे। लिहाजा बिलाखिर अलगरज जो भी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने नाना के यानी रसूल खुदा के पहलू में दफन होने नहीं दिया, यहाँ तक के सारे लोग मजबूर होकर आपको जन्नतुल बकी में लाकर दफन कर दिया। ठीक है, आपकी अजवाज के बारे में और आपकी औलाद के बारे में बताया जाता है कि आपने 9 शादियाँ की थी, 9 बीवियाँ थी आपकी और इनसे 8 बेटे और 7 बेटियाँ थी। कारण ये सारी चीज़ें जो यानी आपकी जौजा के बारे में, आपकी औलाद के बारे में रिवायतें बहुत ज़्यादा अलग अलग मिलती है, लिहाजा हो सकता है आप कोई दूसरी किताब का मुतालिया करें, दूसरी किताब पढ़ें तो उसमें इससे भी ज़्यादा के बारे में, यानी चाहे वो बीवियाँ हों चाहे वो बेटे और बेटियाँ हों, इससे भी ज़्यादा आपको रिवायत में मिल सकता है। लिहाजा आप ये नहीं सोचिएगा कि खौहर ने तो बताया था कि सिर्फ 8 बेटे 7 बेटियाँ थी, यहाँ तो हमने ज़्यादा देखा है। लिहाजा रिवायतें क्योंकि अलग अलग है, लिहाजा सब अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक बयान करते हैं। और आपकी नस्ल जो चली थी जैद से और हसन से, हसन भी आपके बेटे का नाम था, उनसे आपकी नस्ल चली थी और आपके 3 फर्जंद अब्दुल्ला, कासिम और अमर, ये तीनों करबला में शहीद हुए थे।
ये इतनी चीज़ थी इमाम हसन इस्लाम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन। इंशाल्लाह आप लोगों ने सब लोगों ने लिख लिया कुरान, जो भी मुहिम चीज़ थी, किसी को कुछ पूछना है? और एक बार फिर से बताइए। क्या बताएं फहर? नस्ल आपकी जो चली थी आपके बेटे जैद से चली थी और हसन से चली थी, यानी आपका खुद नाम तो था लेकिन आपके बेटे का नाम भी हसन था, हसन और जैद से आपकी नस्ल चली थी। करबला में और तीन बेटों को बताइए, अब्दुल्ला, कासिम और अम्र। अब्दुल्ला, कासिम, अम्र, ये तीन बेटे आपके करबला में शहीद हुए थे। जैसा कि जनाब कासिम के बारे में तो रिवायत में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन दो बेटों के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग भी शहीद हुए थे। ठीक है फौरन, अगर कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को तमाम करते हैं।